तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 5 वायर्ड एयरफोन्स को देखेंगे। हमने इस लिस्ट में हाईएस्ट रेटेड वायर्ड एयरफोन्स को रखा है। तो अब हम एयरफोन्स को देखते हैं। हमारे लिस्ट में पहले नंबर पे है ये बोट का बेसेट 100। ये आपको ऑनलाइन 379 का मिल जाएगा और ये इन अलग अलग कलर्स में भी आता है। इसमें 10mm के ड्राइवर्स का यूज किया गया है। इसके साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये काफी बैलेंस साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसमें मिड्स और ट्रेबल बैलेंस्ड है और इसका बेस भी काफी अच्छा है। इसके बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से सही है, पर आपको इसे केयरफुली यूज करना होगा क्योंकि इसका वायर जल्दी टूट जाता है। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर है ये इन्फिनिटी जिप 100, जो कि आपको ऑनलाइन 499 का मिल जाएगा। ये असल में हार्मन का सब ब्रांड है। ये भी आपको ब्लू, ब्लैक और रेड कलर में मिल जाएगा। इसमें 9mm के ड्राइवर का यूज किया गया है, जो कि काफी अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है। इसका साउंड सिग्नेचर भी सेम बोट के बेसेट्स 100 की तरह ही बैलेंस्ड है। इसमें आपको ट्रेबल थोड़ा और अच्छा मिल जाता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसमें हमें फ्लैट टाइप केबल देखने को मिलता है, जो कि जल्दी टैंगल नहीं होता है और ये जल्दी टूटेगा भी नहीं। इन सभी एयरफोन्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इन्हें वहां से भी ले सकते हैं। लिस्ट में अगले नंबर पर है रियलमी बड्स 2, जो कि ऑनलाइन आपको 599 का मिल जाएगा और ये भी इन चार कलर्स में आता है। इसमें 11.2mm के ड्राइवर्स का यूज किया गया है। इसका साउंड सिग्नेचर लाउडनेस बेस्ड है। अगर आप लाउड वॉल्यूम पर ईयरफोन्स को यूज करते हैं और आपको बहुत ज्यादा बेस चाहिए तो आप इस ईयरफोन्स को ले सकते हैं, क्योंकि ये ईयरफोन हाई वॉल्यूम पे काफी अच्छा परफॉर्म करता है और मीडियम या कम वॉल्यूम पे इसका साउंड काफी मफल्ड हो जाता है। बिल्ड क्वालिटी में ये ईयरफोन अच्छा है और इसमें हमें बेल्टेड केबल भी मिल जाता है। हमारे लिस्ट पे अगले नंबर पे है बोट बेसेट। ये आपको ऑनलाइन 579 का मिल जाएगा। ये एयरफोन बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है। इसमें भी हमें 10mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। इस एयरफोन को एक्टिविटी और आउटडोर यूज के लिए डिजाइन किया गया है और ये आपके कानों से जल्दी नहीं निकलेगा। ये IPX4 वाटर रेसिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है, तो ये स्वेट से खराब नहीं होगा। इसका साउंड सिग्नेचर काफी बूस्टेड है और इसमें वोकल्स और बेस को बूस्ट किया गया है, जिससे आप इसके साउंड को आउटडोर में भी क्लियरली सुन पाएंगे। अगर आपको एक्टिविटी के लिए ये एयरफोन्स चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं। लिस्ट में लास्ट नंबर पे है JBL C200SL। ये आपको ऑनलाइन 799 का मिल जाएगा और ये भी इन तीन कलर्स में अवेलेबल है। इसमें 9mm के ड्राइवर्स का यूज किया गया है और इसका साउंड सिग्नेचर काफी बैलेंस्ड है। अगर आपको प्योर ऑडियो चाहिए तो आप इस ईयरफोन्स को ले सकते हैं। इसमें वोकल्स, ट्रेबल और बेस काफी एक्यूरेटली प्रोड्यूस होता है और ये काफी पंची बेस प्रोड्यूस करता है। हमारे लिस्ट में ये सबसे अच्छा साउंड प्रोड्यूस करने वाला ईयरफोन है और साउंड क्वालिटी में हम इसे नंबर 1 पे रखेंगे, पर इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी एवरेज है और ध्यान से यूज ना करने पर इसका केबल काफी जल्दी टूट सकता है। अगर आप चाहे तो आप JBL C100SI भी ले सकते हैं। उसका साउंड क्वालिटी भी सेम C200SI की तरह है, बस बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। C100SI आपको 599 का मिल जाएगा। हमारे हिसाब से ये थे बेस्ट वायर्ड ईयरफोन्स। आप इन सब में से किसी भी ईयरफोन को अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। सारे ही काफी अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं और अपने कैटेगरी में बेस्ट है। इन सभी ईयरफोन्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इन्हें वहां से भी ले सकते हैं। और आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जरूर आंसर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतने ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।